ज्योतिष शास्त्र में पुष्य नक्षत्र के उपाय बहुत ही महत्वपूर्ण माने गए हैं। धन संबंधी प्रयोगों, मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने हेतु उनकी साधना करने के लिए, आर्थिक संकटों को दूर करने के लिए और अपनी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए पुष्य नक्षत्र एक श्रेष्ठ दिन है। मान्यता है कि धन संबंधी किए गए पुष्य नक्षत्र के उपाय शीघ्र ही फलीभूत होते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि कुंडली के योग विरुद्ध हो तो भी पुष्य नक्षत्र में किया गया कार्य निश्चित ही सिद्ध हो जाता है। पुष्य नक्षत्र अन्य सभी योगों के दोषों को समाप्त कर देता है। बहुत से ज्योतिष यह भी मानते हैं कि पुष्य नक्षत्र के गुण किसी भी बुरे योगों द्वारा नष्ट ही नहीं हो सकते हैं। पुष्य नक्षत्र के उपाय, इस दिन किए गए पुष्य नक्षत्र के उपाय से धन वैभव में वृद्धि होती है, कार्य क्षमता बढ़ती है, जातक के प्रभाव में वृद्धि होती है। पहला उपाय, पुष्य नक्षत्र के उपाय में सबसे महत्वपूर्ण उपाय है कि पुष्य नक्षत्र के दिन हत्था जोड़ी एक विशेष पेड़ की जड़ जो सभी पूजा की दुकान में मिलती है को चांदी की डिबिया में सिंदूर डालकर अपनी तिजोरी में स्थापित करें। ऐसा करने से घर में धन की कमी नहीं रहती है। ध्यान रहे कि इसे नित्य धूप अगरबत्ती दिखाते रहे और हर पुष्य नक्षत्र में इस पर सिंदूर चढ़ाते रहे। दूसरा उपाय, पुष्य नक्षत्र में शंख पुष्पी की जड़ को चांदी की डिब्बी में भरकर उसे घर के धन स्थान तिजोरी में रख देने से उस घर में धन की कभी कोई भी कमी नहीं रहती है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा करें। तीसरा उपाय, गुरु पुष्य नक्षत्र के दिन भगवान श्री विष्णु जी को पीले पुष्प और चने की दाल अर्पित करके विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इस दिन मां लक्ष्मी को केसर अर्पित करके माथे पर केसर का तिलक लगाएं। चौथ उपाय, ये बहुत ही अजमाया हुआ उपाय है कि बरगद के पत्ते को भी पुष्य नक्षत्र में लाकर उस पर हल्दी से स्वस्तिक बनाकर उसे चांदी की डिब्बी में घर में रखें। ये बहुत ही शुभ माना जाता है। पांचवा उपाय, पुष्य नक्षत्र के दिन दक्षिणावर्ती शंख में केसर मिला दूध भरकर भगवान विष्णु का अभिषेक करें, इससे धन लाभ मिलेगा। माता लक्ष्मी के साथ साथ भगवान विष्णु की पूजा करने से भी माँ की कृपा पर बनी रहती है। शास्त्रों के अनुसार माँ लक्ष्मी श्री सूक्त के पाठ से अति प्रसन्न होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो जातक पुष्य नक्षत्र के दिन श्री सूक्त एवं श्री महालक्ष्मी अष्टकम का पाठ करते हैं, माँ लक्ष्मी की उस घर परिवार पर पीढ़ियों तक कृपा बनी रहती है। वह जातक इस जन्म में तो ऐश्वर्य का भोग करता ही है, कारण अगले कई जन्मों तक भी उस धन की कोई भी कमी नहीं रहती। पांचवा उपाय, पुष्य नक्षत्र के योग में मां लक्ष्मी का विधि विधान से पूजन करते हुए उन्हें गुलाब के फूल और पानी वाला नारियल अर्पित करके मां लक्ष्मी के चरणों में साथ लक्ष्मी कारक कौड़ियां भी रखें। आधी रात के बाद इन कौड़ियों को घर के किसी कोने में चुपचाप गाड़ दें और माँ से अपने यहाँ स्थायी रूप से निवास करने की प्रार्थना करें। इस उपाय से धन लाभ होने के योग बनते हैं। छठा उपाय, पुष्य नक्षत्र के दिन पूजा घर में संध्या के समय मां लक्ष्मी के सामने दीपक में लाल कलावे की बत्ती डालकर घी का दीपक जलाएं। इससे घर में लक्ष्मी का नियमित रूप से आगमन होने लगता है। इसके बाद नियम पूर्वक मां के सामने रुई की जगह कलावे की बत्ती डालकर ही घी का दीपक जलाया करें। सातवां उपाय, पुष्य नक्षत्र के दिन गाय को घी से रोटी चुपड़कर उस पर गुड़ रखकर खिलाने से धन लाभ होता है। आठवां उपाय, पुष्य नक्षत्र के दिन मंदिर में दीपक अवश्य जलाएं, इससे कार्य में आने वाली अड़चने समाप्त होती है। पुष्य नक्षत्र के दिन मां लक्ष्मी को लाल पुष्प अर्पित करें। इस दिन सायंकाल किसी भी लक्ष्मी मंदिर में मां को सुगंधित धूप अगरबत्ती मिठाई चढ़ाने से मां अपने भक्त से अति प्रसन्न होती है, सुख सौभाग्य आता है।